नागिन 6 के हालिया प्रोमो में महक के किरदार के अलावा सिम्बा नागपाल के किरदार ने भी सभी को चौंका कर रख दिया। अब तक अपनी पत्नी प्रथा की परवाह करने वाला, उससे प्यार करने वाला ऋषभ एकदम से खलनायक बनकर सामने आया है, जिसे देख फैंस भी दंग रह गए हैं। वही खबरें सामने आई कि शो में सिम्बा का डबल रोल होगा, जिसने फैंस के एक्साइटमेंट को अब सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। वहीं अब खुद सिम्बा ने भी शो में आने वाले इस नए ट्रैक से पहले अपने डबल रोल की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। जी हां, दरअसल इंडिया फोरम से खास बातचीत में सिम्बा नागपाल ने अपने डबल किरदार को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। सिम्बा कहते हैं, एक एक्टर के रूप में मैं जिस तरह के किरदार निभाना चाहता हूँ उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मुझे ऐसे किरदार करना पसंद है जो मुझे एक्साइटेड करते हैं, इसलिए मैं ऐसे वर्सेटाइल कैरेक्टर्स निभाना चाहता हूँ जो मुझे एक एक्टर होने के नाते अपनी पोटेंशियल पता लगाने के लिए सक्षम हो। साफ है कि ऋषभ का किरदार अब पूरी तरह से नेगेटिव नजर आएगा और अपने इस नए रोल के लिए खुद सिम्बा भी काफी बेताब है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि सिम्बा नागपाल शो में ऋषभ के साथ साथ कोई नया किरदार प्ले करेंगे या फिर सिम्बा एक ही किरदार में रहकर दो अलग अलग पर्सनैलिटी निभाएंगे, जिसमें वो दुनिया वालों के आगे ऋषभ बनकर एक नेक इंसान भी होगा लेकिन अंदर से एक राक्षस भी। बता दें कि शो के हालिया प्रोमो में महक के साथ सिम्बा की जोड़ी बनती नजर आई है। प्रोमो में दिखाया गया है कि प्रथा की शक्तियां जाने के बाद महक उस पर वार करती है और उसके पति ऋषभ को भी उससे छीन लेती है। इसी प्रोमो में सिम्बा नागपाल का एक अलग ही नेगेटिव शेड देखने को मिला है। ऐसे में इस नए ट्रैक को देखने के लिए फैंस में भारी क्यूरियोसिटी देखी जा रही है कि आखिर महक के असली इरादे क्या हैं और किस जुल्म में प्रथा को जेल होगी और आखिर सिम्बा के डबल रोल होने के पीछे का असली रहस्य क्या है। इन सब के अलावा प्रथा की शक्तियाँ छिन जाने के बाद अब कौन बनेगी शेष नागिन? वेल, इन सब सवालों का जवाब इस वीकेंड के मौके पर नागिन 6 में देखने को मिलने वाला है।